तो सबसे पहले आलोन तुम्हें स्वागत है। तो आज रॉयल आलो फुटबॉल एकेडमी बीबी फुटसेल एरेना जो आज इनॉग्रेशन हुआ है, तो आप इसका पांडर है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आलो न्यूज़ एएनटी फॉर कमिंग हियर। तो एक्चुअली हम इसको बीइंग ऑनेस्टली हम बताएगा आपको, ये एक्चुअली ये इनिशिएटिव को हम क्यों लिया है बोलने से, आई थॉट कि कोई करेगा, कोई ये इनिशिएशन को लेके, ये मुद्दा को लेके, ये इश्यूज़ को लेके कोई स्टेप लेगा और कुछ एकेडमी क्रिएट करेगा सोचा था। बट देन आई रियलाइज कि ऐसे रुकते रहने से भी चीज़ होने वाला नहीं है। सो आई टुक अप द इनिशिएशन ऑफ रॉयल आलो फुटबॉल एकेडमी और यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि विद प्रॉपर कोचेस जो काफ़ी क्लब में खेल चुका है और बहुत ही सारा आपका स्टेट लेवल टूर्नामेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो गया, इनफैक्ट नेशनल लेवल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। और फिलहाल हम लोग का जो अभी गोलकीपिंग का कोच है वो ही इज़ द मेन गोलकीपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। तो हम सबको अप्रोच करके देखा एक बार कि एक एकेडमी खोलने से क्या होगा, आप लोग कोच दे पाएगा, तो दे वर रियली इंटरेस्टेड। और ये जब हमने ये इनिशिएटिव को उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे इतना इंटरेस्टेड है इवन द पेरेंट्स, इवन द किड्स, इवन द कोचेस, क्योंकि ये चीज़ बहुत लैकिंग हो रहा था। हम लोग आलो में ना अभी प्रॉपर ग्राउंड है, ना प्रॉपर ये है स्ट्रक्चर्स है, तो अभी तो बहुत काफ़ी जगह में खोल गया ये फुटसॉल ग्राउंड है, बट देन वी स्टिल वी नीड ए प्रॉपर स्टेडियम जो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में आया बट आलो में नहीं आया अभी तक कंस्ट्रक्शन भी डिले हो रहा है, पता नहीं, बट जो भी हो, बट किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना है, तो हम सोच लिया कि मतलब आई विल डू इट, अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम कर लेगा, क्योंकि हमको अपना जगह के लिए, हमको अपना जगह को प्रॉस्पर होते हुए देखने मन है। और एक्चुअली बोलने से आलो वॉज वंस वेरी नोन फॉर फुटबॉल, बट देन नाउ इट्स ग्रोइंग एंड पीपल आर गेटिंग इनटू ड्रग्स, अल्कोहल एंड मेनी थिंग्स, मोबाइल में बच्चा घुस जाता है। तो एक तरह से मेरा तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा मतलब आलो का सिटीजन्स के लिए, तो इसलिए हम ये इनिशिएटिव लिया है। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर किस तरीका से किया जा रहा है? जी एक्चुअली ये बीबी फुटसॉल एरिना में हम लोग ये अभी पार्टनरशिप बेसिस में हम लोग टाई अप करके ये एकेडमी को यहाँ पे खोला हुआ है। तो द फी स्ट्रक्चर इज़ लाइक दैट, 3500 पर मंथली आपको पे करना पड़ता है और आपका ये एडमिशन फी हो गया 1000। तो उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप पिक एंड ड्रॉप में आपको प्रॉब्लम होता है तो इट्स 1500, हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इट्स ओनली 1500, मंथली फी 3500 है। तो ऐसा करते हुए हम लोग प्रॉपर कोचिंग यहाँ पे दे रहा है, हम लोग ये मार्कर हो गया, कोन हो गया, लैडर हो गया, आपका कार्डियो हो गया, आपका जितना भी इंड्योरेंस वाला, जितना भी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग वाला, जितना भी आपका प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स को लेके, तो वो सब ड्रिल कराएगा, सिर्फ मैच नहीं खेलाएगा, यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेन करेगा ऑर्गेनाइज वे में। एंड एज आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव इट विल बी वेरी प्रोफेशनल एंड इट विल बी वेरी legit, so please just being as a citizen of Alo, even me, I would like to say this message to all the citizen of Alo ki aap log apna bachcha ko zarur admission karaiye aur usko ab ye duniya ka vice versa se bachaiye, kyunki abhi filhal dekha jane se aapko sports mein rehne ka alawa ek bachcha ko sports mein zyada involve hona hai actually dekha jane se, to utna hi hai and I'm taking this initiative, I hope and I hope ki the citizen of Alo will cooperate and will support me in this course and that's it। यंग बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं एक ही मेरे तरफ से एक एडवाइस ये रहेगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, टीम स्पिरिट और खेल भावना, हर एक चीज़ के साथ आपको एक लाइफ स्किल का एक ट्रेनिंग दिया जाता है स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में जुड़ने से। सो पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि बच्चों को इनक्रेज करें स्पोर्ट्स से जुड़ा रहने के लिए, तो स्पोर्ट्स आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाती है, तो आप फिट रहोगे, तो हेल्दी माइंड में हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड का निवास होता है, ये कहावत है। तो इसका स्पोर्ट्स में जुड़े रहिए और गलत आदतों से दूर रहिए। सो स्पोर्ट्स आपको बहुत ही, स्पोर्ट्स में जुड़े रहने का बहुत सारे फायदे हैं। तो सर जो अभी
आलो का जनरल ग्राउंड है तो उसको लेके आपका क्या कहना है? वो बहुत साल से बंद पड़ा हुआ है, उसका ऊपर आपको क्या कहना है? ये तो जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ बहुत दुख होता हूँ इस जो हाल में है ये हमारा आलो का जो फुटबॉल ग्राउंड है जिस हाल में अभी पड़ा हुआ है उसको देख के बहुत ही दुख होता है। तो ये एक हमारे जो लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू रियली लुक इनटू इट सो दैट यू नो हमारे ग्राउंड का निर्माण जल्दी हो और स्पोर्ट्स लविंग पीपल ऑफ आलो को एक स्पोर्ट्स का आनंद उठाने का दोबारा फिर से मौका दिया जाए। सो जब से ये ग्राउंड रुका है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, काम रुका हुआ है तो स्पोर्ट्स एक ठप सा हो गया आलो में। सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा एक स्टेडियम होना ज़रूरी है, सभी डिस्ट्रिक्ट में हो गया है बट यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से आई थिंक मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ तो मुझे इनका ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये क्यों रुका हुआ है तो लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि इसके ऊपर हमारे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से और हमारे पब्लिक लीडर से इस चीज़ को गौर करें और स्टेडियम का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। थैंक यू सर।